ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज 12 सीबीएसई की सेकंड वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एग्जाम सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो एग्जाम सीरीज 12 सीबीएसई में हमने पिछले 5 साल के मैथ्स के पेपर एनालाइज करे और एग्जामिनर किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है वो क्रैक करने की कोशिश करी है हर टॉपिक में, और इस एग्जाम सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये वाली वीडियो आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे होने वाली है। इस वाली वीडियो के साथ जो अपने रिलेशन से फंक्शन के 8 मार्क थे वो इस वाली वीडियो के साथ हमने कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम सीरीज 12 सीबीएसई की लास्ट तक पूरे 80 मार्क्स कवर करने हैं हम लोगों को। तो दोस्तों मैं शेयर कर दूं, मैं भी इस बार 12th में ही हूं तो साथ में प्रिपरेशन हो रही है अपनी, और लाइक कर दो वीडियो को, एंगेजमेंट बढ़ता है जितने ज़्यादा लाइक होते हैं। डाउट्स हैं तो डाल दो कमेंट में या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे उसे अपन एक बार वापस देख लेते हैं। साइन आपका डिफाइंड था आर से लेके, मतलब आपका एंगल हर रियल नंबर हो सकता है लेकिन उसकी रेंज -1 से 1 के बीच में थी। ऐसे ही कॉस, आपका कॉस का डोमेन है आपका आर और रेंज आपकी -1 से 1 के बीच में। टेन जो है इसमें से कुछ अपन स्पेसिफिक वैल्यूज हटा रहे हैं, टेन सैक कोसैक और कॉट, इसमें से कुछ ऐसी वैल्यूज हटा रहे हैं जहां अपना जो आउटपुट आएगा वो रियल नंबर नहीं आएगा। तो टेन में से अपन 2n+1π/2 हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में जो अपना टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो जहां आपकी 2n+1π/2 में आपका एंगल आ रहा है और आपका एन जो है वो इंटीजर है, वहां पे कॉस की वैल्यू आपकी जीरो आती है। तो जो भी आपका सपोज साइन थीटा अपॉन जीरो आ गया तो अपन इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये अनडिफाइंड है। तो ऐसे ही अपन टेन में कॉस, कोसेक में, सेक में और कॉट में डोमेन में से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हटा देते और फिर आपकी रेंज ये है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ये इस साल भी काम आने वाला है। करो लो आप इतना, फिर अपन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन समझ लेते हैं। अब आ जाते हैं अपन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पे। ये वाली चीज सीबीएसई ने फर्स्ट वाले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में से हटा दी, लेकिन जो सेकेंड चैप्टर है वो पूरा इसी पे है तो कुछ फायदा है नहीं उसका हटाने का। क्या होता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन? जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ जिसमें आप वैल्यू पुट करते हो 1, आपका आउटपुट आता है 2, ठीक है। अब इसका इनवर्स क्या होगा? कोई सा फंक्शन जी जिसमें आप वैल्यू पुट करो 2 और आपका आउटपुट आए 1, सिंपल ये होता है आपका इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पे जी जो है वो इनवर्स है एफ का, इसको अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, और ऐसे ही एफ जो है वो जी का भी इनवर्स है ये। तो इनवर्स को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, सिंपल है। अब एक चीज समझ लो कि अगर जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दिया तो उसका अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए एक सिंपल क्राइटेरिया है कि जो आपका फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन 1-1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए, तब आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस देखते हैं। तो अब आ जाते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स पे, जिसपे ये पूरा चैप्टर है, यही देखने वाले। तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इनवर्स पे अपन कैलकुलेशंस करने वाले हैं। चलो, तो अपना जो साइन फंक्शन था वो रियल नंबर से -1 से 1 के बीच में डिफाइंड था, जो आपका डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है, रेंज आपकी -1 से 1 के बीच में आएगी। अब इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले तो आपका फंक्शन जो होना चाहिए वो 1-1 और ऑन 2 दोनों होना चाहिए। यहाँ पर जो अपना साइन फंक्शन है, ये वाला फंक्शन 1-1 और ऑन 2 नहीं है। 1-1 ऑन 2 क्यों नहीं है? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू ये भी जीरो होगी और साइन 2π की वैल्यू ये भी जीरो होगी, मतलब ये जो आपका फंक्शन है वो मेनी वन है। तो साइन फंक्शन को 1-1 बनाने के लिए अपन इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कुछ इंटरवल्स तक, जैसे इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 तक। अब यहाँ पे अपना फंक्शन 1-1 हो जाएगा, ऐसे ही 2 और इंटरवल्स है ये वाले। चलो, तो अभी आपका जो ओरिजिनल साइन फंक्शन था वहां अपन ने रियल नंबर हटा के एक इंटरवल डाल दिया है। अब जो आपका साइन फंक्शन है वो डिफाइंड है -π/2 से π/2 तक, और इसकी वैल्यू आएगी रेंज आपकी -1 से 1 के बीच में, और ये जो आपका फंक्शन है वो 1-1 और 2 दोनों है। तो अब इसका इनवर्स फाइंड करना इजी है। इनवर्स में जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज आ रही थी वो जाएगी डोमेन, और जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन आ रहा था वो जाएगी आपकी रेंज। तो ये है सिंपल आपके इनवर्स। अब जैसे मैंने ये रेंज ली, आप ऐसे 2 रेंज और ले सकते हो, लेकिन अभी आपके बुक में अपन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस से चलने वाले हैं, जहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स बता दिए कि कैलकुलेशंस इन्हीं इंटरवल्स के बीच में होने चाहिए। तो साइन के लिए वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2।
ऐसे ही आपको बुक में वो पूरी टेबल मिल जाएगी, उसकी इमेज भी यहाँ पे आ जाएगी। कॉस के लिए जो अपने रिस्ट्रिक्ट कराए वो है 0 से पाई, ऐसे ही आपके दो इंटरवल्स और हो सकते हैं। कॉस के लिए आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई, साइन के लिए ये है। तो ये सिंपल आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है डाल दो कमेंट में, कर लो इतना। चलो एक फाइनल चीज इसमें समझ लेते हैं कि अगर आप एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स निकाल रहे हो तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो आपने यहाँ पुट करी थी फंक्शन में वही आ जाएगी एक्स। कैसे देख लो कि अगर आपका एफ एक्स जेड के इक्वल है तो एफ इनवर्स जेड ये हो जाएगा आपका एक्स। सिंपल, जेड को आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स, ये आपको काम में आने वाला क्वेश्चन में। जैसे कि आपको आया है यहाँ पे टेन इनवर्स 10π/4। चलो तो 10π/4 की क्या वैल्यू होती है, 10π/4 की वैल्यू होती है 1। अब आपको ऐसा एंगल बताना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जिसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। जब आप उसको 10 में पुट करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे उसका 10 इनवर्स आएगा पाई बाय 4, वापस वही ओरिजिनल एंगल आ जाएगा। ये सिंपल चीज है, ये क्वेश्चन में काम आने वाली है। ऐसे ही एक ये भी है कि एफ इनवर्स वाई का आप फंक्शन में पुट करो तो ओरिजिनल आपकी y ही वैल्यू आ जाएगी। कर लो इतना, फिर अपन फाइनली क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे है, ये 2018 में आया था 1 मार्क के लिए, और ऐसा ही ये क्वेश्चन 2020 में भी आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2। स्टार्ट करते हैं। तो टेन इनवर्स √3। अब टेन इनवर्स रूट थ्री सिंपल पूछ रहे हैं वो कि कौन से एंगल के लिए आपका टेन हो जाएगा √3। वो एंगल आपको बताना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। टेन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, तो इसमें से आपको एंगल बताना है। स्टार्ट करते हैं। टेन इनवर्स रूट थ्री को अगर अपन एक्स के इक्वल सपोज कर लें तो टेन एक्स हो जाएगा आपका √3। ठीक है, अब √3 कब होती है एक्स की वैल्यू टेन के लिए, जब आपका एंगल हो 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियस। चलो तो यहाँ आ गया आपके पास 10π/3 इज इक्वल टू √3। अगर अपन इसको वापस इनवर्स में करें तो 10 इनवर्स √3 इज इक्वल टू हो जाएगा π/3, और π/3 अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाया करता है। चलो तो 10 इनवर्स √3 की वैल्यू आ गई π/3। अब sec inverse -2 की वैल्यू निकालनी है। sec inverse -2 sec inverse -2 को भी अपन एक वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं। sec inverse -2 इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा आपका sec y इज इक्वल टू -2। और -2 कब होती है ये आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो कि sec की वैल्यू -2 होगी आपकी जब आपका एंगल y होगा 2π/3। ठीक है, आपका एंगल 2π/3 होना चाहिए। चलो तो sec 2π/3 इज इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा आपका sec inverse -2 इज इक्वल टू 2π/3। आगे अपने पास दोनों वैल्यूज, यहाँ से अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं। 10 inverse √3 की जगह π/3 और sec inverse -2 की जगह -2π/3, आपका आंसर आ जाएगा -π/3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क के लिए इजीली स्कोर कर सकते हो। और क्योंकि इस बार CBSE ने प्रॉपर्टीज आपको नहीं मेंशन करी सिलेबस में, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का और थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये ध्यान से कर लेना है वाले क्वेश्चंस, कर लो इतना, फिर अपन अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं अपन वीडियो के सेकंड वाले क्वेश्चन पे। वैसे तो इस साल CBSE ने प्रॉपर्टीज आपको नहीं मेंशन करी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन क्योंकि सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन था आपका जो प्रॉपर्टीज पे से ही था, तो अपन यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2017 का सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 4 मार्क का, और 10 इनवर्स वाले 2016 और 2019 में भी आ चुके हैं 4-4 मार्क के लिए। क्वेश्चन है आपका इफ 10 इनवर्स, चलो ये पूरी वैल्यू आपको π/4 के इक्वल दे रखी है, फाइंड करना है आपको एक्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी जो आपको NCERT में दे रखी है, प्रॉपर्टी आपकी 10 inverse x + 10 inverse y, ये इक्वल होता है आपका 10 inverse x + y / 1 - xy। हाँ, ये इसके इक्वल होता है। तो अपन यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं।
स्टार्ट करते हैं। अभी x की जगह है ये, y की जगह है ये, चलो। तो tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 प्लस x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 अपॉन 1 माइनस x माइनस 3 x प्लस सॉरी x माइनस 4 x प्लस 3 x प्लस 4। चलो तो इसे थोड़ी जल्दी करते हैं अपन। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। और डिनोमिनेटर में ये दोनों प्रोडक्ट में आएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे x स्क्वायर माइनस 16 जो आएगा इसका प्रोडक्ट, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन में। और x माइनस 3 x प्लस 3 ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 सर। और यहाँ टेन इनवर्स भी लगा लेना, ये तो पूरे गलत हो जाएगा। टेन इनवर्स हाँ, और ये पाई बाय 4 के इक्वल। चलो अब यहाँ पे ऊपर क्या कैलकुलेशन हो रहे हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया आपका, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 9 माइनस 7 पाई बाय 4। चलो यहां से अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 10 इनवर्स में है, इसको अगर मैं 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आपका एंगल यहाँ पे आ जाएगा और 2x स्क्वायर माइनस 24 अपॉन 7 दूसरी साइड चला जाएगा। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है आपकी 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24 अपॉन माइनस 7, यहाँ माइनस लगा रहा हूँ। चलो तो माइनस 7 टाइम्स 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। x की डायरेक्ट वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ तो ये होगी आपकी 17 अपॉन 2 स्क्वायर रूट में प्लस माइनस, यहाँ से लिखते हैं x का आपकी वैल्यू आई प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सिंपल ही था, ऐसे ही 2016 और 2019 में भी चार चार मार्क के लिए क्वेश्चन आए थे, तो कर लेना ही कर लो। इतना फिर अपन इस वाले वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन सैम्पल पेपर में है और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देता है पेज नंबर 45 पे। क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस दिस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको इस वाले एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टार्ट करते हैं, तो ये जो अंदर है इसको अपन 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी आप बाहर वो जो आपकी x या फिर y x की वैल्यू आएगी वो बाहर निकाल सकते हो। स्टार्ट करते हैं, तो cos x को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। sin x को अपन लिख सकते हैं 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, यही करने वाले अपन। चलो तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 इनवर्स cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। 1 की जगह लिख रहा हूँ मैं यहाँ cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2, ये 1 ही हो जाएगा। और यहाँ माइनस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ये कर इसलिए रहे अपन क्योंकि ये अल्टीमेटली 10 में कन्वर्ट करने वाला था। चलो तो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 ये a माइनस b के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, इसको अपन ऐसे लिख देंगे 10 इनवर्स cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2। यहाँ डिनोमिनेटर में ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको अपन a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं cos x by 2 minus sin x by 2 whole square। यहाँ से ये एक बार हो गया cancel। अब बचा है आपके पास 10 inverse cos x by 2 plus sin x by 2 cos x by 2 minus sin x by 2। अब यहाँ जो अंदर expression आ रहे हैं मेरे को इनको 10 में convert करना है, कैसे करें? अगर मैं sin x by 2 को cos x by 2 से divide कर दूँ तो वो 10x by 2 हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे अपन यही करने वाले हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर टर्म को 10x सॉरी cos x by 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो 10 इनवर्स cos x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 1,
साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। सिमिलरली डिनोमिनेटर में वन माइनस टेन एक्स बाय टू। यहां तक आ गए, अब यहां से आगे कैसे बढ़े। अब इस एक्सप्रेशन को पूरा ही टेन में लाना है तो इसको अपन एक आइडेंटिटी लगाते हैं। यहां पे अगर मैं ये करूं वन की जगह करूं टेन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर आपका वन ही होता है, प्लस टेन एक्स बाय टू। यहाँ पे वन माइनस, यहाँ पे टेन पाई बाय फोर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं टेन एक्स बाय टू में, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि टेन पाई बाय फोर वन ही हो जाएगा। अब ये जो अंदर आपका आया है इसको अपन पूरा टेन में लिख सकते हैं ऐसे कि टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ये क्लास इलेवन की आपकी आइडेंटिटी थी। चलो तो यहाँ तक आ गए। अब पहले पाई बाय फोर प्लस एक्स प्लस टू की कुछ वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे उसका वापस एंगल निकलेगा, तो एंगल तो आपका यही था ओरिजिनल, आंसर आ जाएगा आपका पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। क्वेश्चन सिंपल था दो मार्क के लिए। कर लो इतना, इसी के साथ अपनी यहाँ वीडियो खत्म होने वाली है। रिलेशंस एंड फंक्शंस के पूरे 8 मार्क कवर हो गए। करो इसको अपने दोस्तों में शेयर। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। गुड बाय।